लोग बैंगलोर से सुबह ही पहुंच रहे हैं और वहाँ पे तेल रखा था, पर वो एयरपोर्ट में लगेज के साथ आया है। एक तेल हमने रुड़की में हमारे ही कमरे में धरवाया था, मतलब यहाँ ससुराल में जहाँ मैं है। हाँ ससुराल में तो दोनों। हाँ हाँ प्रियंका बाबू अपने नाम को सचिन। सचिन पहले बाबू पिता का नाम बोल। दादा का नाम राम। राम रामशरण। रामशरण तेरा नाम बेटा? सचिन ध्यानी। सचिन ध्यानी। सचिन ध्यानी स्थान बता अपने घर का, यहाँ जहाँ पिता रहते। भारत कॉलोनी गली नंबर 7 हाउस नंबर। कहाँ पे? भारत कॉलोनी गली नंबर 7। भारत कॉलोनी गली नंबर 7 कहाँ पे है ये? ये डंडेरा। डंडेरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रुड़की में। रुड़की बाबू परिवार से दो पुरुष भी गए हुए तुम्हारे पितर में? दो आदमी आ रहे बेटा, ठीक है। एक बाबू एक मिनट, ये भोलेनाथ की सेवा लगाती है बेटा? कौन लगाता है घर में भोलेनाथ की सेवा? पूजा जयकारा लगाते हूँ फिर। और बाबू शक्ति चल रही है भगवती की तेरे ऊपर, ठीक है ना। भजन लगा बेटा। असमंजस अपने धाम लाना था तो यही आ गया।
करना था उसने। ठीक है माई, जब तू धाम में लाएगी आगे कहानी बिठाना, ठीक है ना, और बच्चों को आगे बढ़ाना, आशीर्वाद रखना। घर की पितर भी आए खड़े हैं, पितरों को समय पे बाबू तेरे ही परिवार के मायके से कोई दीक्षा ध्यानी भी है बाबू, बेटी कोई गई हुई है तेरे पिता की तरफ से, याद कर रही हूँ, पूछ रही हूँ बाबू, ये दीक्षा ध्यानी भी आ रही है साथ में तेरे, जो रो रही है ना बाबू, वो बेटी है घर की बाबू। पता कल शायद आप लाइव थे उसमें लिखा थे कि हम आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो अब हुआ ये था कि YouTube में हमें चाहिए थे कि ईद रिजल्ट्स, तो YouTube ने एक जगह देखा था लुड़की के ही थे, तो उन्हीं के चक्कर में हम, मतलब नियो नहीं बोलूंगा, गलत होगा अपने के नीचे कर, हम उनको गुरुदान बना सकते हैं लुड़की में। तो तुरंत मेरे मन से आवाज़ निकली, अब चाहे टिकट कितनी महंगी हो टिकट बुक करो, मैं भी आऊँगा। पहले मैं भी नहीं आता, मैंने कहा मैं भी आऊँगा, और आने से जस्ट एक दिन पहले कुछ ऐसी बात हुई, उन दोनों के मन में ऐसा हुआ कि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। हमने बोला कि नहीं जा रहे हैं, YouTube में देखा आपकी वीडियो देखी, क्योंकि उसने डाल ही तुम्हारे आंखों के आगे, इसलिए क्योंकि बच्ची है इनकी। तो फिर हमने क्या किया, आपकी वीडियो देखी और कॉल करते ही आप पता नहीं कितने किससे एक बात करते ही मन में ऐसा हो गया कि हम यहीं जा रहे हैं, बट अब एक क्षमा चाहते हैं कि वो भी आप, मतलब काली माता, ये माता जी के भक्त हैं, तो कहीं उनके मन में तो हमारे लिए ऐसा नहीं। बाबू ऐसा नहीं होता, ऐसे तो लोग पराजरी होती है, वहां से भी पूछा नहीं थी ना तुमने, लिए पूछा उपाय तो नहीं चलवाया ना, अभी गए भी नहीं ना वहाँ, खाली फोन पे ही बात हुई है, फोन में ही बात हुई है। क्या नाम है वहाँ की थी, पर मन में ये वही कराती है जो इसको करवाना है, तुम्हारे कार्य से बाबू कुछ नहीं होगा, है ना, हम तो माध्यम है, ठीक है, तो ये वही जो करवाना चाहेगी ये वही करवाएगी, जो जहाँ का वही का दाना पानी, जहाँ का होता है वही का करवाएगी, उससे ना तुम कुछ कर सकते ना हट सकते हो ना कहीं जा सकते हो, ठीक है ना, इसलिए एट ए टाइम तुम्हारा यहाँ का रुकू कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो जहाँ का है जो चीज चल रही है उस बच्ची में वो शक्ति वही वही उसी जगह लाई है, ठीक है ना, तो बाबू कोई बात नहीं, और शक्ति इसमें बाबू बार बार झूलती है, ठीक है ना, क्योंकि गुरु का हाथ अभी है नहीं, थोड़ा एक संकट भी है, ऐसा होता था कि मैं सब छोड़ के संन्यास ले लूं। हाँ वो बाबू इसलिए क्योंकि ना वो भक्ति मार्ग में शक्ति जब अंदर रहती है, जब गुरु धारणा हो जाएगा ना, जैसे जैसे बताया जाओगे वैसे करना, तो ये चीजें नियम वैवाहिक जीवन में वो भी सही चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये शक्ति बाबू बहुत ऊर्जावान होती है, बहुत एनर्जी। उसके बाद भी माता जी इतने होने के बाद भी मतलब मैं अपने पे तो नहीं पता, इन्होंने ही अगर आज अगर मान लो 99% भी सही हो रहा है, तो 98% इनकी वजह से, इन्होंने इतना कंट्रोल करके अपने आप को चेंज किया। हाँ बाबू ये हो गई, क्योंकि भाई रिश्ता समझदार है बच्ची, और दूसरा शक्ति तो बाबू ये प्रचंड ऐसी आती है, जब तक गुरु हाथ नहीं रखता तो विचलित ज्यादा होती है, विचलित मतलब इधर उधर गिरती पड़ती है। और मैं अभी मतलब मेरे सामने ऐसी चीज कभी पहले कभी हुई नहीं, तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाता हूँ कि करना क्या उस चीज, बस मैं इनको ऐसा बोलता हूँ कि जो भी चीज याद आ रही है नेगेटिविटी तुम्हें वो सब अभी भूल जाओ, मतलब हमारी लड़ाइयों का भी बहुत याद, मतलब अब तो अच्छा चल रहा है, पर वो पिछली जो भी चीज हुई ना बहुत बुरी बुरी जो बातें हुई वो बार बार याद आती, बार 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 चलती थी। कोई बात नहीं, वो जब गुरु धारणा हो जाएगा ना, भक्ति की तरफ सही से चलेगी, तो सब वो चीजें छूटती जाएगी, फिर ये उपाय जो मैं करवाऊंगा।